हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर्ट एंड फन हाउस। व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग टाइम से। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बन रहा है, इट्स नॉट अ मॉर्निंग, इट्स 11। अच्छा जी, यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट, और जब तक ब्रेकफास्ट बन रहा है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलरली नज़र आती रहें, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा जी, और वीडियोस में आपको क्या पसंद आया है, कोई बात अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे रीड करती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताया करें कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगी। और रूटीन ये है कि स्कूल जो है वो फिर से बंद कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से बिकॉज ऑफ कोविड थर्ड वेव, और थर्ड वेव जो है इसकी वो पहले दो वेव से भी ज़्यादा डेंजरस है। और मज़े की बात यह कि हम इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं और हम इसको नॉर्मल ले रहे हैं, जबकि ये इसीलिए ज़्यादा ख़तरनाक बनती जा रही है क्योंकि ये जो है ना इसको हम सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। सेकेंडली अगेन वही गर्मियाँ आ गई हैं, मास्क पहनना मुश्किल होता है, लेकिन हमें प्रिकॉशंस तो लेनी ही हैं, हमें केयर तो करनी ही है। तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मास्क वगैरह पहन के रखें, बाहर जाएँ और तो सैनिटाइज यूज़ करें, और ज़रूरत से बाहर जाएँ वैसे ना जाएँ। जैसे लास्ट ईयर से तो थोड़े बेहतरी हालात हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी केयर शो करनी चाहिए। तो बस यहाँ चाय बन रही है, नाश्ता बन रहा है, उसके बाद कुछ घर के काम से फ्री होकर हम निकल गए थे बाहर आउटिंग के लिए। अगर आपने लाहौर में रहते हैं और आपको पता होगा कि जश्न बहार की लाइटिंग होती है, कुछ 23 मार्च पे भी बहुत खूबसूरत लाहौर डेकोरेट किया गया था लाइटिंग के थ्रू। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी शेयर की थी, आई होप आपने देखी होगी। और डिफरेंट तरीके की लाइटिंग की गई, लाइटिंग जो है वो बहुत स्पेशल सी आपकी बार, बहुत खूबसूरत से येलो कलर की लाइट्स। तो बस वही देखने के लिए जा रहे हैं, और आप भी चलें हमारे साथ, आपको दिखाते हैं लाइट्स लाहौर की डेकोरेशन। अच्छा, यहाँ हम जाते जाते रुक गए हैं कराटू जलेबी पर। मौसम जो था वो बहुत ज़बरदस्त था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो हमने सोचा कि गरम गरम जलेबी हो जाए। कराटू जलेबी अल्लाहू चौक पे है, अगर आपने ट्राई की हो तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने ट्राई किया तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट हो गई है लाइटिंग नहर पर, ट्रीज़ के ऊपर लाइटिंग की हुई है, उनको डेकोरेशन की हुई है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि लाहौर का जो है ना ये ट्रेडिशन है, जब भी जश्न बहार आती है फरवरी से मार्च के दरमियान में किसी भी वीक में नहर पे पूरी डेकोरेशन होती है, डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, डिफरेंट कल्चर्स को शो करवाते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट हर साल डिफरेंट आइटम्स होते हैं जो नहर को डेकोरेट करते हैं। फिर लाइटिंग वगैरह भी डिफरेंट स्टाइल से होती है, यूजली ट्री के लीव्स पे होती है लाइटिंग, लेकिन अब की बार सिर्फ लाइटिंग के थ्रू डिकोर किया गया है, सारा का सारा डिकोर सिर्फ लाइटिंग है। और सबसे ज़्यादा जो डिकोर हुआ हुआ है वो है जेल रोड पे, और ये देखें ये ग्लोब्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जिस तरह रमज़ान के मोस्टली इस तरह की डेकोरेशन की जाती है, तो आई थिंक उसको भी जहन में रखते हुए की गई हैं। और ट्रीज़ पर और डिफरेंट तरीके से डेकोर किया गया, सिर्फ लाइटिंग के थ्रू ही डेकोरेशन की गई और बहुत खूबसूरत लग रही है।
अच्छा जी, ये ज़्यादातर डेकोरेशन जो थी ना सेवन अप वालों की तरफ से ही थी, क्योंकि स्पॉन्सर्स एड्स आई थिंक उन्हीं के लगे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखी अब तक तो आप अभी भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अभी थोड़ा जश्न बहार चलेगा ही। तकरीबन हम एक महीना मार्च के एंड तक सेलिब्रेशंस होती थी लाहौर में। पहले बसंत भी होती थी, वो भी जश्न बहार में आती थी, लेकिन फिर जिस तरह के हादसे होते रहे वो सब बैन होता रहा। फिर नहर की डेकोरेशन जो है वो बहुत फेमस है, हर साल हम मतलब वेट ही होता है कि नहर जो है वो डेकोरेट होगी। डिफरेंट तरह का वहाँ पे आर्ट और कल्चर रिप्रेजेंट किया जाता है। इस साल लास्ट ईयर भी नहीं हुई थी कोविड की वजह से, और नहीं हुई थी लेकिन फिर बंद कर दी गई थी, और इस साल ओबियसली कोविड है और रश हो जाता है, इस वजह से वो अभी नहीं डेकोरेट की। तो डिफरेंट तरीके से रोड्स डेकोरेट की गई हैं विद लाइटिंग, और ये 23 मार्च की जैसे बिल्डिंग ग्रीन हुई हुई थी। बस फिर अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप अभी जाएं जेल रोड देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन है। मोस्टली अगर नहर पे अक्सर औकात ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, तो फिर वो उसी टाइम सब चीज़ों को बंद कर देते थे, उनके ऊपर लाइट्स लगी होती है ना, लाइट्स बंद कर देते थे, और फिर सारा रश जो है वो गायब हो जाता था और उसके बाद दोबारा ऑन हो जाती थी। तो हम लोगों की तो ये फेस्टिविटी है, हर साल हम वेट करते हैं कि नहर डेकोरेट होगी और फिर हम जाएंगे घूमने फिरने। तो इस साल भी अगर आपको अभी तक नहीं पता इन डेकोरेशंस का तो प्लीज़ जाएं और चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है। और रश नहीं है इन एरियाज़ में, क्योंकि गुजरते हुए आप इनको इजीली कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं, इट्स लुक ब्यूटीफुल एंड नाइस। डिफरेंट ऊपर ग्लोब्स लगाए हुए हैं स्ट्रिंग्स पे, और लीव्स, कहीं लीव्स डेकोरेट किए हुए हैं, कहीं दरख्त पूरा ही डेकोरेट हुआ हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट तरीके से की हुई हैं, ट्राइंगल्स, डिफरेंट शेप्स हैं लाइटिंग की। यू विल लाइक इट, बहुत अच्छी हैं। बस वापस आ रहे थे तो हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई, और मौसम जो है वो शाम के टाइम बहुत ज़बरदस्त हो जाता है मोस्टली। और ये है लास्ट वीडियो, हमारा प्लान था उसके बाद कुछ शॉपिंग वगैरह करने का, लेकिन न्यू गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग 6 o'clock मार्केट्स जो हैं वो एंड हो जाती हैं। अब कल से ऐसा हुआ है कि 8 बजे तक मार्केट्स अब क्लोज होती हैं। तो बस फिर हम नेक्स्ट डे गए हैं 23 मार्च की जो सेल थी उसके लिए शॉपिंग करनी थी, हमने कहा सोचा सीज़न का चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हैं हम साइना शॉप पे, और इनके भी डिस्काउंट था 23% ही, ऑब्वियसली आई थिंक ये पूरा वीक रहा है। उसके बाद हम गए थे हील्स पे, हील्स पे डिस्काउंट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो है ना बहुत रश है। शू बॉक्स की है ये बेसिकली, शू बॉक्स में 23% डिस्काउंट था, हील्स पे डिफरेंट रेट हैं, और हील्स पे इतना रश था कि उनके जो अच्छे आर्टिकल्स थे ना सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। और लकीली मैंने क्या किया था कि हमने सेव कर लिया था आर्टिकल, ऑनलाइन देख लिया था, उससे ये एडवांटेज होता है कि आपको रश में नहीं परेशान होना पड़ता, बस आप उन्हें जाके दिखा देते हैं। तो मैंने उन्हें शूज़ हमने सिस्टर के लिए लेने थे, तो उसने दोनों पसंद करके हमें बता दिए थे, और फिर हमने जाके उन्हें दिखा दिए हैं, और उन्होंने हमें अपने आर्टिकल्स फ़ौरन निकाल के बता दिया, तो हम उस रश में परेशान होने से बच गए। तो ये बेस्ट वे होता है कि अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन आप देख लें और पिक्चर सेव करके रख लें, और बस फिर आप घर आ जाएं। और यहाँ पे व्लॉग एंड हो रहा है, खाना वगैरह हमने फूड पांडा से ऑर्डर कर लिया था, और यहाँ चाय बन रही है। दिन का एंड जो है इस तरह घूमने फिरने के बाद, फिर ऑब्वियसली चाय जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ चल रहा है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, डेली के स्टेटस चेक कर सकते हैं वहाँ पे, यूजुअली मैं वहाँ पे अप टू डेट रहती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ये नीचे रेड बटन को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।